हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल में बताने जा रहा हूँ शेप टूल के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पिक टूल के बारे में बताया था। तो हम शेप टूल पे जाते हैं, तो इफेक्ट बनाने के लिए तो काफ़ी इफेक्ट हैं। हम इस तरीके से काफ़ी इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जब ये टूल्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ इफेक्ट मैं आपको बीच बीच में भी बना के दिखाऊंगा और टूल्स के बाद में भी दिखाऊंगा बना के आपका। तो जैसे मैं शेप टूल पे जाता हूँ, ये मेरा शेप टूल है आपका। तो शेप टूल हम किस काम में लाते हैं? तो सबसे पहले मैंने कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। आप यहाँ शेप टूल पे जाते हैं, अगर मैं करता हूँ माउस से लेफ्ट क्लिक किए तो चारों पॉइंट इस तरीके से स्मूथ होते ही आ रहे हैं। आप एक से ज़्यादा जो रेक्टेंगल के जो कोने हैं उनको स्मूथ कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल है कि मुझे किस स्टाइल में स्मूथ करना है, इस तरीके से आप स्मूथ शो कर सकते हैं, स्मूथ ले सकते हैं आपका। अगर मैं चाहता हूँ जैसे मैंने यहाँ एक ही एंगल को स्मूथ करना है, तो ये एक एंगल को स्मूथ जब करेगा, जब आप इसको कंट्रोल क्यू सॉरी जब करेगा जब आप इसको यहाँ अनलॉक कर देंगे इस तरीके से, और आप जैसे इसको यूज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, एक ही कोने को स्मूथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से किसी एक कोने को स्मूथ कर सकते हैं आप। अब जैसे मैंने इसमें किया 35.035, तो मैंने इसमें यहाँ शो किया कि 0.35 ओके, तो इस तरीके से शो कर दिया। तो इसमें क्या कर रहा है कि जैसे मुझे क्या करना है, मुझे करना है 0.35, मैंने पहले कर दिया था ओनली 35, तो वो इस तरीके से ज़्यादा स्मूथ हो गया था। तो दोनों तरफ से स्मूथ है, इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ स्टाइल शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, ये शेप टूल था हमारा इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल क्यू पाथ करते हैं। तो ये क्या करता है, शेप टूल पे जाता हूँ, मैंने किया है राइट क्लिक, आपने किया यहाँ जाके ऐड पॉइंट। आप पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, पॉइंट को ऐड करने के लिए अगर आप राइट क्लिक करके जो चीज़ ला रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ से भी ला सकते हैं। तो मैंने किया डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो जैसे डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट कर दिया पॉइंट को इसने। राइट क्लिक किया, मैंने किया टू करो, तो ये माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आपने किया यहाँ जाके राइट क्लिक, मैंने किया टू लाइन, तो सीधी एक लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी कार्टून बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं करता हूँ यहाँ जाके राइट क्लिक, मैंने किया ब्रेक अ पार्ट, तो ये ब्रेक अ पार्ट होता है किसी आउटलाइन को अलग अलग करने के लिए। कंट्रोल के वाला ब्रेक अ पार्ट अलग होता है, तो मैंने किया यहाँ ब्रेक अ पार्ट, ये अलग हो गया। राइट क्लिक करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके इसको सिलेक्ट, आपने किया यहाँ जाके ब्रेक अ पार्ट, तो ये अलग हो गया। अब मैं दिखाता हूँ, आपने इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया डिलीट, तो ये पॉइंट अलग हो गया। अगर आप यहाँ जाके इस पे क्लिक करते हैं, मैंने किया डिलीट, तो इस तरीके से डिलीट हो गया। तो ऊपर की लाइन अलग है, नीचे की लाइन अलग है। अगर इसमें आप कोई कलर देना चाहें, तो जैसे मैंने किया ब्रेक अ पार्ट, आप यहाँ गए, आपने कोई भी कलर फिल कर दिया इस तरीके से। ऊपर जाता हूँ, ऊपर यहाँ आपने कोई भी इस तरीके से कोई कलर फिल कर दिया। तो अलग अलग कलर देने के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से कुछ कलर। तो ये चीज अलग होगी, वो चीज अलग होगी, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि अगर मैंने कोई टैक्स शो किया, जैसे मैंने कोई टैक्स लिया इसमें, तो टैक्स लेने के बाद मैं इसमें करता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ ANIL अनिल, आप करते हैं SUNIL सुनील, आपने लिखा यहाँ AMIT अमित, इस तरीके से तीन टैक्स शो कर दिए। पिक टूल पे जाता हूँ, इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हो, इस तरीके से साइज को कम ज्यादा करने के लिए। इसके बाद साइज यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं, कभी भी आप पिक टूल से साइज को कम ज्यादा इस तरीके से नहीं ले सकते। एक मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कीबोर्ड की हेल्प से, आप कंट्रोल दबाएंगे, अगर आपके पास इस तरह का कीबोर्ड है तो आप जब टू पे क्लिक करेंगे तो एक एक स्टेप जो साइज है वो कम कर सकते हैं। अगर मैंने कंट्रोल एट करा तो आप बहुत स्पीड से इसको साइज को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ से उसको एक एक स्टेप कम कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेप से बढ़ा सकते हैं। तो बहुत जल्दी टेक्स्ट को कम ज्यादा करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आप F9 करेंगे तो फुल स्क्रीन आपका हो जाएगा, अगर आप किसी भी डिजाइन को देखना चाहते हैं तो। तो इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इसका साइज इस तरीके से बढ़ाया, शेप टूल पे जाता हूँ। तो अभी मैं ओनली टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, बाद में आपको इसी टूल से कोई डिजाइन बनाता हुआ दिखाऊंगा। तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से इसके बीच का गैप कम ज्यादा कर सकते हो, आपके इस तरीके से कोई इफेक्ट कम ज्यादा कर सकते हो आप। आपने इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ अलग अलग कलर्स चेंज कर सकते हो कि मुझे हर टैक्स में अलग कलर चाहिए, तो इस तरीके से कोई कलर फिल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको देना है इस तरीके से। तो ये अलग अलग कलर देने के लिए है। अगर मैं कहता हूँ मुझे तो वन कलर देना है, तो वन कलर शो कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे तो ग्रेडियंट कलर चाहिए, तो मैंने किया F11, तो आपने यहाँ एक से ज्यादा कलर शो कर दिया, जो भी आप देना चाहते हैं। कोरल X3 है, कोरल 11 है, कोलर 12 है आपका। उसमें क्या है कि इसमें जब इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें काफी सारे स्टाइल हैं, वो आप यूज कर सकते हैं।
मतलब कुछ बने बनाए स्टाइल होते हैं, तो हम बहुत जल्दी काम कर सकते हैं इनमें। जो जितने भी हैं आपका कोरल X3 से ऊपर, तो उसमें क्या है कि हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है इस तरीके से कलर को। तो मैंने कलर शो किया इस तरीके से, तो ये शो कर रहा है आपका। जब मैं इसको इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ, तो ये लोकेशन शो कर रहा है कि ये अपने कलर की लोकेशन को लेफ्ट राइट कर सकते हैं इस तरीके से, कि कितना मुझे कितना किस साइड लेके आना है। तो इसमें आप ऑपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब ये कलर यहाँ चलेगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके करता हूँ, तो इस तरीके से इसमें ग्रेडियंट कलर है, इसमें वन कलर है, इसमें अलग अलग कलर है। तो मैं इसमें एक चीज दिखाने वाला हूँ, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ। आपने किया यहाँ कंट्रोल क्यू, ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ कंट्रोल क्यू, तो ये क्या करता है, इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। इसमें सब सेम है आपका, जो पुराने वर्जन है, जब हम उसको कंट्रोल क्यू करते हैं, तो वो क्या करता है, वो कंट्रोल क्यू में ऊपर जो भी कलर होगा सेम कलर शो कर देता है, दिखा देता है। तो आप सबसे पहले कंट्रोल के करेंगे ब्रेक अपार्ट, फिर कंट्रोल क्यू करेंगे, तो थोड़ा मेहनत बढ़ जाती है उसमें। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, इस तरीके से कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। हम शेप टूल पे गए, शेप टूल पे जाने के बाद आप किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके उसका साइज और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको देना है। तो अलग अलग स्टाइल हैं, वो यूज शेप टूल से आप कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से शेप टूल है, कि हम इस तरीके से कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया है डिलीट, डिलीट कर दिया आपका। आपने एक रेक्टेंगल लिया, जैसे मैंने इस तरीके से कोई रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद ये ऑप्शन है काफी सारे, स्मूथ पे क्लिक करता हूँ, इस तरीके से स्मूथ हो जाएगा। पॉइंट ऐड करने के लिए है, तो कोने पे ही जाके माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो पॉइंट ऐड हो जाएंगे। फिर इन पॉइंट का क्या करें, शेप टूल पे जाके इन पॉइंट को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको लेके आना है। इसके बाद हमारा चलता है, मैं यहाँ जाता हूँ इस तरीके से, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, आपको चाहे तो अंदर की तरफ शो कर सकते हैं, तो ऐसा कोई पैटर्न टाइप का बना सकते हैं। साइज आप यहाँ से कम ज्यादा ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से माउस से लेफ्ट क्लिक दबाए रखता हूँ, तो इस तरीके से पानी वाला इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। जैसे हम कोई कार्टून में कुछ इस तरह का इफेक्ट शो करते हैं, तो ये अलग अलग स्टाइल है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक दबाए रखा, तो इस तरीके से इफेक्ट आ गया आपका। तो ऐसा कोई स्टाइल बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आगे जाता हूँ, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक करके अंदर की तरफ कर रहा हूँ, तो अंदर की तरफ जा रहा है ये। अगर मैं बाहर की तरफ कर रहा हूँ, तो ये बाहर की तरफ ना जाके अंदर की तरफ ही शो कर रहा है आपका। तो मैं करता हूँ कंट्रोल ए, मैंने किया डिलीट, कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन के लिए होता है आपका। आपने एक रेक्टेंगल लिया, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ये जब मैं बाहर की तरफ शो कर रहा हूँ, बाहर की तरफ तो शो नहीं हो रहा, अंदर की तरफ ये इस तरीके से लेके जा रहा है आपका। तो पॉइंट ऐड कर सकते हैं इससे, आप यहाँ गए तो इस तरीके से इफेक्ट आपका आ गया ऐसा कुछ। तो इस तरीके से माउस से लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा आपका। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाएंगे, जैसे पॉइंट छोटा आ रहा है इस तरीके से, तो इसका साइज यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा बढ़ के आ जाएगा, अगर मैं इसमें करता हूँ जैसे वन वन करने के बाद ओके, तो इस तरीके से साइज बढ़ गया, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपका जैसे रेक्टेंगल सिलेक्ट होना चाहिए, इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से आपको देने हैं आप दे सकते हैं। जैसे इसमें भी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने किया वन, तो जिग जैक वाला जो ऑप्शंस होता है वो चीज़ शो कर देगा इस तरीके से। मैंने फिर इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, आप यहाँ गए, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से ये इफेक्ट शो कर रहा है, ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं। अगर आप चाहें इस तरीके से स्टाइल को ऐसे भी बना सकते हैं, कि जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, मैं यहाँ कंट्रोल दबा रहा हूँ, एक रेक्टेंगल और ले रहा हूँ। जब आप कंट्रोल दबाते हैं, तो उसकी विथ हाइट दोनों बराबर आ रही है। आप कंट्रोल दबाते हैं, मैंने इसको किया इस तरीके से रोटेट, रोटेट करने के बाद मैं इसको यहाँ शो करता हूँ। आप लेफ्ट क्लिक करके, मैंने किया यहाँ जाके राइट क्लिक, आप करते हैं कंट्रोल आर रिपीट, मैंने रिपीट कर दिया इसको इस तरीके से। इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, आपने जितना इसका साइज है उतना लेते हो, मैंने किया कंट्रोल एल कंबाइन, आप इनको सिलेक्ट करते हो, मैंने किया ट्रिम, तो ये क्या करता है, इतना हिस्सा काट देता है। तो ऐसे भी जिग जैग वाला ऑप्शन शो कर सकते हो, आप बना सकते हो। तो ये था आपका यहाँ जाके शेप टूल। तो शेप टूल में मैंने आपको यहाँ तक बताया आज आपको। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।